अच्छा क्विक अलोंग साइड। फायर, इंडसइंड, दसवस्सी पे होल्ड और सेल, जी बताइए। देखिए, इंडसइंड तो आज ही आज अपना 200 तोड़ रहा है, तो आई थिंक शायद कितना 980 आपने भाव बोला इनका, एक राइट? हजार अस्सी 1080, तो अभी भी 9 रुपए इनको प्रॉफिट ही है। तो ये स्पेस पूरा बैंकिंग स्पेस में डेफिनेटली वीकनेस है, और वो किस कारण से हमको अभी नहीं समझ में आएगी, बट प्राइस यही बता रहा है कि सारे स्टॉक्स अपने लंबी अवधि के एवरेजेस तोड़ रहे हैं और बैंक निफ्टी से पहले तोड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी ने अभी नहीं तोड़ा, इंडसइंड बैंक आज तोड़ रहा है, तो अगर आज तोड़ के नीचे बंद करता है तो मेरे हिसाब से वीकनेस आ जाएगी। तो कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखें, या ये जो उनको 9 रुपए मिल रहे हैं मेरे हिसाब से वो 9 रुपए ये ले लें, और 1 से 2 महीने के बाद इस ट्रेड को अटेम्प्ट करें। मेरे हिसाब से 920 930 के आसपास भी इनको दोबारा लेने मिल सकता है। ओके अच्छा, ट्विटर पे ज्योति जी ने ना एक बहुत सारे सवाल आधा दर्जन सवाल पूछे आपसे, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट जी बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC, क्या करें सब होल्ड? अच्छा पहले SBI बताइए, 505 पे SBI इनको लिया है इन्होंने, अभी जी गिरावट में थोड़ा धक धक हो रही होगी, 538 आ गया, क्या करना चाहिए SBI, होल्ड और सेल? देखिए, यहां से एक उछाल के लिए होल्ड, बट ओवरऑल मीडियम टर्म में थोड़ा सेल के सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल इस सेटअप में, क्योंकि जिस तरह का इसका मंथली के जो सेटअप्स बने गए महीने के वो थोड़े से बेरिश हैं, तो नेक्स्ट एक क्वार्टर इसके लिए मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है। और ये स्टॉक वो है जब बाजार ने अपना 200 डे एवरेज नहीं तोड़ा है, उस समय SBI अपना एवरेज तोड़ के बंद किया था हमने फ्राइडे को, अब आज भी हम देखते हैं कहां बंद हो रहे हैं, दिस इज द डे टू बिलो द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड वीक हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पे डेफिनेटली एक रुझान निकाल सकते हैं। और जब तक अब ये 550-555 के ऊपर डिसाइसिवली बंद नहीं करेगा, डे बाय डे इसमें इंक्रीमेंटल थोड़ी थोड़ी सेलिंग आती रहेगी, तो मेरी राय है उछालों में निकलने की कोशिश करें, आई थिंक इनके कॉस्ट के आसपास ही है, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें और इसको टाइम दें, इसको 1-2 महीना टाइम दें, जब तक ये डिसाइसिवली एक बॉटम नहीं बना लेता तब तक इसमें पोजिशन ना बने। प्रणव लांबा जी ने एक सवाल भेजा है, बर्जर पेंट्स पे 1200 शेयर है इनके पास 620 रुपए के भाव पर, और ग्लैंड फार्मा है 1820, पहले बर्जर पेंट बताइए क्या करें, 620 पे ले रखे? देखिए, यहाँ पे तो एक मल्टी क्वार्टर गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ से नया तो अब डेफिनेटली अब इतने इनसे लेके खड़े हैं तो एक उछाल का डेफिनेटली वेट करना चाहिए, वो एक एक कॉमन सेंस वही बोलता है कि जो चीज ऑलरेडी 6-8 क्वार्टर से गिर रही है एक छोटा उछाल दे सकती है, तो मैं इनको इमिजिएटली यही बोलूंगा कि उछाल का वेट करें, और उस उछाल में तकरीबन इनके प्राइस के आसपास पहुंचेगा या उससे हल्का नीचे रह जाएगा, 610-620 मुझे इमिजिएटली दिख रहा है, वहां तक के अगर लेवल्स आते हैं तो एक बार दोबारा राय ले लें, बट फिलहाल के लिए होल्ड है। ग्लैंड फार्मा 1820 पे, नतीजे नहीं ठीक थे, उस गिरा भी है, उसके बाद अभी खबरें जो चल रही हैं USFDA अच्छी खबर उसके बावजूद नहीं चल रहा, 3% नीचे, बेच दें क्या 1820 पे लिया? जी, नहीं, नो डाउट, आई थिंक ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, अगर ये वो कॉल लेना चाहे और उसमें से निकलना चाहे, क्योंकि जो जब से इसका डेटा मुझे दिख रहा है 2020 के बाद से मेरे 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 चार्ट्स में, इसने वो सारे लोज भी गए साल में तोड़ दिए, तो ऑल टाइम लोज पे मैं बोलूंगा कि ये चल रहा है, तो और कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनाते जा रहा है, तो आई थिंक जब तक ये 450 के ऊपर टिकता नहीं है तब तक के लिए एक बार इसमें से निकल जाए तो शायद थोड़ा और इनका वेल्थ डिस्ट्रक्शन या वैल्यू डिस्ट्रक्शन बच जावे, तो 1450 का एक स्टॉप लॉस लगा के, मींस जब आप निकल रहे हैं 1315 में, तो आपको थोड़ा एक पीछे 10-12% का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा, 8% का, 1451 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं, फिलहाल पोजीशन को छोड़ दें, मेरे हिसाब से 1451 के ऊपर किसी कारण से आएगा तो दोबारा पोजीशन बनाना चाहे तो उस समय बनाए, बट फिलहाल तो ये वीक कैटेगरी का स्टॉक है, तो मेरी तो यहाँ पे एग्जिट की राय रहेगी। एग्जिट कर लीजिए, ग्लैंड फार्मा से कोई उम्मीद नहीं दिख रही इसमें अभी फिलहाल कमाई की, और रौनक जैन जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रौनक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना, रौनक आपको आवाज आ रही है क्या? नहीं, रौनक को आवाज नहीं आ रही, तो मैं एक ट्विटर सवाल ले लेता हूँ, अमित शर्मा का सवाल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स के 50 शेयर इन्होंने लिए 890 रुपये के भाव पर, लॉन्ग टर्म के लिए है, नतीजे कमज़ोर थे, स्टॉक के पिटाई हुई थी, अभी ये 760 पे खड़ा है, बताइए भाई, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी बताइए कमजोरी के मार झेल रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? नहीं देखिए, जब बाजार का इस तरह का ब्रेथ डिके हो रहा है नीरज जी, तो क्या होता है प्रेशर सब तरफ आ जाता है, किसका कौन सा माल कहाँ खड़ा है, किसका क्या सेटअप है, कोई कहीं प्रॉफिट में निकल रहा है, कोई कहीं मार्जिन फंडिंग के स्टॉक्स के मार्जिन भर के निकल रहा है या उसमें सेलिंग आ रही है, तो बहुत सारा समीकरण हो जाता है, कई बार रिस्क वाले भी माल फोड़ देते हैं, अगर आपने मार्जिन फंडिंग में माल सपोज आपने इसके ऊपर एफएनओ में कोई ट्रेड किया है और आपने अपना एक अच्छा डिलीवरी का स्टॉक मार्जिन में दिया हुआ है, अब आप एफएनओ का M2M चुका नहीं पाए तो आपके मार्जिन के शेयर्स भी फूट सकते हैं, तो आई थिंक गिरते हुए मार्केट में यही सारे सिनेरियोज डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए आप देखिए
कि एक चेन रिएक्शन नीचे का चालू हो जाता है और आप देखते हैं कि प्रेशर आते रहता है। तो यहाँ पे मेरी राय है कि स्टॉक अपने सेटअप्स जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सब नीचे चल रहा है, लॉन्गर टर्म एवरेज तोड़ चुका है, तो एक सारे के सारे ट्रेंड्स के नीचे चल रहे हैं। बट यही है जो मैंने भी इसके पहले वाले स्टॉक में बोला था कि भाई 5-6 क्वार्टर की एक करेक्शन तो डेफिनेटली ओवर हो चुकी है, तो एक उछाल का यहाँ पे डेफिनेटली चांस है। और उन उछालों में मेरी राय है कि सेल ऑन राइज, अगर इसमें उछाल आते हैं तो कॉस्ट के आसपास कहीं मिलता है या उछालों में निकलने मौका मिलता है तो यहाँ से निकलना चाहिए। एक बार ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लेवल पे कितनी पोजीशंस बनी है उसी हिसाब से लोग एग्जिट लेते हैं। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंडामेंटल्स वर्क नहीं कर रहे हैं क्या, करते हैं वर्क, हमेशा लॉन्गर टर्म में करते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेड सेटअप देखना पड़ता है, जिसकी बात सरवन जी कर। सरवन जी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि इस मदद से लोगों को फ़ायदा होगा, जैसे कि ITC वाले भाई ने बहुत पैसे बनाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के साथ हमें जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।